देश में सब कुछ चंगा सी, चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी, सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी, सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी, चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी, चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी। आज यहाँ जंतर मंतर में बहुत सारे मजदूर संगठन, किसान संगठन, महिला, नौजवान, विद्यार्थी, विभिन्न तबके के जो लोगों का एक प्रदर्शन हो रहा है। इसमें मुख्यतः ये बजट के विरोध में है, और ये जो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, वो बजट ना केवल ये है कि जनता विरोधी तो है ही है, और ये नहीं है, देश को ही, देश का संप्रभुता को भी खत्म करने वाला है, और ये देश को पूरा बेचने वाला एक बजट है। तो इसके खिलाफ में आम जनता को खड़े होना और आने वाले दिनों की आंदोलन को करके ये इसमें जो भी प्रपोजल दिया है जन विरोधी, उसको वापस करवाने वाला बहुत ज़रूरी है। बात ये है कि इस बजट के अंदर में जो जनता की जो आर्थिक मंदी है उसके लिए कोई कदम नहीं है, जो जनता के लिए खरीदारी का जो संकट है, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो न्यूनतम वेतन नहीं है, उसके खिलाफ में कोई कदम नहीं है। उल्टा जो निजीकरण बहुत बड़े पैमाने पे किया है, जिसमें से रोजगार कटेगा और ये मंदी तो आगे जाएगा, और हर एक सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का या डिफेंस, रेलवे, ये सारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी पैमाने पे ला रहे हैं, और यहाँ तक भी सरकार का कोई हक नहीं बनता है LIC को। LIC का जो है 40 करोड़ उसका जो पॉलिसी होल्डर है उसकी पैसे का खिलवाड़ करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। ये भी नहीं, जो देश की जो राशन प्रणाली में 70,000 करोड़ के जो बजट की कटौती किया गया है, मनरेगा में जहां रोजगार बढ़ने का जो उसमें ज्यादा पैसा डालने का, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी का भी मजदूरों ने, किसानों ने मांग किया है, उसमें भी बजट में जो एक्सिस्टिंग बजट में जो 13% का कटौती किया है। तो ये सारे जो हुआ है, और ये भी नहीं, टैक्स का कंसेशन के नाम आम आदमी के लिए दिया है, ये बोला है। एक तो है आम मजदूरों को तो उसका कुछ होगा ही नहीं है, लेकिन इवन मिडिल क्लास को भी जो टैक्स का कंसेशन का जो नाम लिया है उसने, उसमें असली में कोई कंसेशन है ही नहीं है, क्योंकि वो जो पहले जो भी मिल रहा था उसको तो अभी उन्होंने मना कर दिया है कि जो ये ऑप्शन लेने के लिए। ये भी नहीं है कि जो मिडिल क्लास लोगों को जो खरीदारी के सामान है उसमें टैक्स, जो इवन बच्चों के जो खाने पीने के सामान में 50% का टैक्स कर दिया है। तो ये सारे जो है, ये तो इसको तो पूरा खरीदारी में भी असर पड़ेगा, तो और लॉन्ग टर्म में भी अभी जो ये मंदी चल रहा है इसका बहुत बुरा असर होके एक बड़ा आर्थिक संकट की तौर के भारत जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ में आम जनता को आवाज उठाना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जो 8 तारीख को जो हड़ताल हुआ है, वो हड़ताल की ये मांगे थे, उसमें मजदूरों का तो मांग थे और किसानों का भी मांग था। तो आज जो 5 तारीख को सेंट्रल ट्रेड यूनियन का मीटिंग होने वाला है, उसमें आने वाले जो कार्यक्रम के लिए, जो ये बजट के खिलाफ में भी और अपने मांगों को लेके भी कार्यक्रम का भी फैसला होगा। तो उसके बाद में सारे जन संगठन मिलके बड़े पैमाने पे प्रचार करेंगे। ये CAA के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है वो भी जनता की मुद्दा है, वो दोनों मिला के बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे। दुख से मुझे कहना पड़ेगा, सरासर झूठ है ये सरकार, तो हकीकत से डरता है, और इतना डरता है कि वो आंकड़ों से भी डरता है। इसीलिए पिछले बजट में भी और इस बजट में भी सारा नंबर गलत है। पिछले 9 महीने में जो हमारे पास असली आंकड़े हैं, पिछले 9 महीने में केवल 44% ही आया है, बाकी पूरा आधा से ज्यादा, मतलब 56% उनके पास पैसा है ही नहीं। हाँ, तो ये 56% जो पैसा है नहीं, आगे की 3 महीने में आ सकता है? कभी आता है ऐसा करके? नहीं ना, कि एकदम से 3 महीने में पूरा आ गया, नहीं आता है। 56% उनके पास है ही नहीं पैसा, तो ये 56% 56 इंच वाला छाती तो नहीं ला सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि खर्च भी उनका कम करना होगा, और वही वो कर रहे हैं।
तो बता रहे हैं बजट में कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इतना खर्च कर रहे हैं इस साल, मगर हकीकत तो ये है कि वो बहुत कम खर्च कर रहे हैं। ये सरकार खर्च बढ़ाने की बगैर खर्च घटा रहे हैं, और जो जरूरी खर्च है, जो आप लोगों के लिए, जो हर आदमी औरत के लिए जरूरी है, नागरिक के लिए जरूरी है, उनको और भी ज्यादा घटा रहे हैं। मुश्किल तो यह है इस सरकार के साथ कि आंकड़े भी एंटी नेशनल हो गए, जो असली आंकड़े हैं। तो अब जब असली आंकड़े एंटी नेशनल हो गए तो नेशनल वाले आंकड़े लगाना है इनको, इसीलिए सारे झूठे नंबर दे रहे हैं बजट में। इस बजट के आड़ पर आपने देखा होगा कि रेलवे जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देती थी उसमें 150 ट्रेन जो है निजी हाथों में देने का फैसला लिया गया। इसी बजट के अंदर जो है आपके एयर इंडिया जो है उसको जो है बेचने के जी है रखा गया। इसी बजट में अब जो है हिंदुस्तान में जो शिक्षा अभी तक चलता आ रहा था, जो बिल्कुल 2014 से कम कर दिया गया था, इस बार ना के बराबर जो है शिक्षा में और स्वास्थ्य में और पानी में, सिर्फ पर्यावरण के बात कर रहे हैं लेकिन पानी और तमाम इस तरीके की चीजों को जो है खत्म किया जा रहा है। ये आम जनता की बजट नहीं है, ये खास लोगों की बजट है। स्कीम वर्कर्स के लिए जो बजट बढ़ाने की बात है, जो उनका एक लंबा लॉन्ग टर्म डिमांड है, उसको पूरी तरह से इस बजट के अंदर नजरअंदाज किया गया। बल्कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, उनका दाम बढ़ा करके कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने और ज्यादा इस देश के अर्थव्यवस्था के कमर पे चोट पहुंचाई है और ज्यादा इस देश के गरीब आदमी के ऊपर हमला बढ़ाया है। आप मौजूदा भारत में शिक्षा के हालात अगर आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा जो निचले तबके का है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ धकेला जा रहा है। इस बजट में 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की बात है, जो पूरी पूरी तरह से इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ और एक पुश है। और इस पुश का मतलब ये है कि आप सरकार क्या चाहती है कि सरकार जो गरीब तबका है, जो निचले समाज से आ रहा है, जो दलित है, एक बड़ा हिस्सा जिसमें दलित है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाए। आप अगर एक चीज अगर आप पिछले रिसेंट समय में नोटिस करें तो इग्नू जो संस्थान है, इग्नू में पिछले 10 सालों में 250 से 300% दलित छात्रों की, आदिवासी छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। इसका क्या मतलब है कि शिक्षा में जहां फॉर्मलाइजेशन के माध्यम से, इग्नू एक ओपन संस्थान है, शिक्षा में जहां इनफॉर्मलाइजेशन के माध्यम से गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को फॉर्मल एजुकेशन में भेजने का, प्रोत्साहित करने का काम किया जाना चाहिए था, इस बजट ने उल्टा किया है। किसान जो मेहनत करते हैं तो तब हर कोई खा पाता है। फर्टिलाइजर का सब्सिडी घटाया गया, खर्च किसानों का बढ़ेगा। दूसरे तरफ जो प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार जितना खर्च करती थी उसको घटा दिया, मतलब एक तरफ किसान खेती का खर्चा बढ़ेगा, उस दूसरे तरफ फसल का जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और कितने किसानों का जिंदगी लेना चाहता है ये सरकार, और कितने किसानों का खून चाहिए ताकि इनका ये जो मुनाफाखोरी का का जो धंधा है वो चलता रहे। तो ये बजट जन विरोधी है, देश विरोधी है। एक तरफ लोगों का नागरिकता छीनने का कोशिश हो रही है, दूसरे तरफ उनका मुंह का निवाला छीनने का कोशिश है, उनका शिक्षा छीनने का कोशिश है, और जब वो बीमार पड़ेंगे तब उनके स्वास्थ्य सुविधा छीनने का भी कोशिश है। चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी। सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी, सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी।